फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की डिजाइन कैसे बनाए। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज बनाना बताऊंगी आज। तो देखिए, हमने ये कपड़ा लिया है इस तरह से, देखिए। तो हम आपको पूरा कपड़ा खोल के दिखाती हूँ, देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरा प्रिंटेड कपड़ा इस तरह से। तो देखिए इस तरह से पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे, फिर ब्लाउज पे। देखिए हमने ये इस तरह से, देखिए छोटा सा पीस लिया है लाइनिंग का इस तरह से। जो आपका साइज हो एक्चुअल में वही साइज लीजिए। तो देखिए हमारा 7.5 इंच हमारा, देखिए इस तरह से ही हमारा ये 15, हम ये 30 साइज का बना रहे, तो हमने डबल फोल्ड में देखिए 7.5 इंच ले लिया इस तरह से। और देखिए इसके जो लंबाई ली हमने वो 10 इंच ली है। देखिए शोल्डर से 5.5 इंच, और देखिए यहां से 3 इंच पे, और देखिए नेक की जो लंबाई लेंगे वो 6 इंच लेंगे। और देखिए हम इस तरह से वी शेप देंगे, इस तरह से यहां से 7 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से वी शेप कट करेंगे। इसे हम कट करेंगे। फिर हम यहाँ पे लोग कट करेंगे 9.5 इंच पे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से सेम वेफर के हम ब्लाउज पे कट करेंगे। अब देखिए इस तरह से, अब सेम इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया, और देखिए इसमें जो फिनिशिंग देंगे हम इस तरह से सीधा रखेंगे ब्लाउज को। और देखिए इस तरह से, इसके हम इस तरह से पूरे पे हम सिलाई करेंगे और यहाँ तक नीचे तक, फिर यहां से हम पलट देंगे इसे। और नीचे हम पट्टी कट करेंगे नीचे के लिए। देखिए हम पट्टी कट कर रहे हैं, तो देखिए इसके जो हमने चौड़ाई ली है वो देखिए हमारी 19.5 इंच है, और इसकी जो लंबाई ले रहे हैं हम वो हमारी 5 इंच है। देखिए इस तरह से हमने पट्टी कट कर ली हमारी, देखिए इस तरह से 2 पट्टियां आई इस तरह से, इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे बीच में से। इसे हमने लाइनिंग में कट कर लिया है, और देखिए हमने ये पट्टी कट के 2 इंच चौड़ी, और इसकी हमने लाइनिंग भी कट कर लिया 2 इंच चौड़ा, देख सकते हैं इस तरह से। इसको भी इसमें भी हम फिनिशिंग दे देंगे थोड़ा सा, इसे से पलट देंगे। देखिए नीचे मैंने ब्लाउज रखा है सीधा, इसके ऊपर लाइनिंग रखा है, और देखिए हमने पूरा पिन से सेट कर लिया। और देखिए हम नीचे से इस तरह से पूरे पे सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर दी, इसे पलट देंगे। देखिए इस तरह से मैंने पलट लिया पूरा, देख सकते हैं इस तरह से। अब हमने जो पट्टी कट की थी इसे तैयार करेंगे हम। देखिए जो हमने पट्टी कट की थी हमारी, देखिए बीच में से हाफ थी, हमने ज्वाइंट कर लिया इस तरह से। और देखिए हमारी ये सीधी पट्टी है, और इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे इस तरह से, और दोनों साइड हम सिलाई करेंगे।
देखिए मैं दोनों साइड सिलाई कर ली, उसे पलट देंगे हम। देखिए हमने इस तरह से पट्टी पलट ली और हम दोनों साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई कर लिए। अब हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले प्लेट डाल देंगे 2 इंच लंबी। प्लेट डाल दिए, अब इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। और देखिए मैंने सेम इसी तरह देखिए दोनों पट्टियां भी तैयार कर ली हैं। देखिए अब इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे और यहाँ पे शोल्डर पे हम जो पट्टियां तैयार की यहाँ पे हम इस तरह से अटैच कर देंगे इन पट्टी को दोनों साइड हम। देखिए इस तरह से मैंने पूरी पे सिलाई करके हमने पट्टियां भी ज्वाइंट कर ली। अब सेम इसी तरह हम नीचे की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। देखिए हमने नीचे इस तरह से पट्टी ज्वाइंट कर ली है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया ब्लाउज। क्योंकि नेक पे हमारी पूरी फिनिशिंग है और देख सकते साइड में पूरी फिनिशिंग हमारी। और नीचे देखिए हमने इस तरह से पट्टी लगा दी है। यहाँ पर हमने प्लेट डाल दी, 1 डॉट है हमारी इस तरह से। और देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से पट्टी अटैच कर दी है। तो मैं आपको बताती हूँ ये हम पट्टी किस तरह से बांधेंगे बैक साइड। तो देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरह से रहेगा, बैक साइड हमारा इस तरह से आ जाएगा। और देखिए ये हमारा इस तरह से रहेगा। और देखिए इसको आप आगे को ले जाके कमर से इस तरह से बांध सकते हैं आगे की साइड इस तरह से पट्टी को। इस तरह से हमारा आगे की साइड आ जाएगा और उसके बाद हमारा ये बैक साइड आएगा। तो बैक साइड आप इस तरह से इसमें इस तरह से प्लेट बनाए पहले दोनों साइड। और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से एक रबड़ लिए इस तरह से, यहाँ पे हम इस तरह से रबड़ को अटैच कर देंगे। आप इस तरह से मैचिंग की रबड़ ले थोड़ा सा, जिससे कि लुक अच्छा से आए इसका। इस तरह से आप इसको बांध सकते हैं। तो इसका भी बहुत ही प्यारा लुक आता है। आप इस तरह से बैक इसको हम फ्रंट में नहीं बांध सकते आप इसको, तो आप इसको बैक साइड ही इसी में अटैच करते हुए इसी के साथ इसमें बांध दे। इस तरह से आएगा इसका लुक, बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। तो आप इस तरह से ये सुंदर सा ब्लाउज डिजाइन बना सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी।